before the court, without serving any prior notice, और इसके लिए परमिशन इज टू बी शॉर्ट फ्रॉम द कोर्ट, हमें कोर्ट से परमिशन लेना होता है कि हमारे पास जो भी प्राइमरी एविडेंस था वो अवेलेबल नहीं है, इट इज़ लॉस्ट, और हम उनके जगह पे सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं एज एन एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो परमिशन इज टू बी सॉट फ्रॉम द कोर्ट, टू ब्रिंग सेकेंडरी एविडेंसेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात किया था विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स, जिसमें हमने ये जाना कि कुल 9 कैटेगरीज होते हैं एविडेंसेस के। देर आर 9 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस एज रिकग्नाइज्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और ये जो प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, इट इज़ नथिंग बट द काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। ये क्या है? एविडेंसेस के काइंड्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन दो टाइप्स ऑफ एविडेंसेस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उसे समझेंगे। चलिए, तो एक कॉलम आप बना लो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का। देखो, प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस जो कि फर्स्ट हैंड एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल वर्क दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट। तो प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या वर्क है जो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं फॉर इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। ये फर्स्ट हैंड एविडेंस माना जाता है। वेयर एज जो सेकेंडरी एविडेंस है वो क्या है? ऑल द कॉपीज मेड आउट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या वर्क। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल वर्क के जो भी सर्टिफाइड कॉपीज होते हैं वो सेकेंडरी एविडेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। सेकेंडरी एविडेंसेस को हम सेकेंड हैंड एविडेंस या इसे हम डेरिवेटिव एविडेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिराइव होते हैं प्राइमरी एविडेंसेस से। तो सबसे पहले आप इन दोनों ही काइंड्स ऑफ एविडेंसेस को डिफाइन कर दोगे। आप लिखोगे प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या वर्क है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट
for the purpose of inspection by the court. और सेकेंडरी एविडेंस क्या है? तो एनी अदर और सर्टिफाइड कॉपीज मेड आउट ऑफ ओरिजिनल वर्क और डॉक्यूमेंट. वो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है. Primary evidence, section 62 of law of evidence में define किया गया है, जबकि secondary evidences को section 63 of Indian Evidence Act में define किया गया है. तो इसमें आप लिखोगे, given in section 62 of this act, और ये given in सेक्शन 63 ऑफ दिस एक्ट. तो ये दो डिफरेंसेस हो गए. अब देखो, प्राइमरी एविडेंस को हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस मानते हैं, क्योंकि प्राइमरी एविडेंसेस का जो एविडेंशियरी वैल्यू होता है वो हायर होता है, वेर एज सेकेंडरी एविडेंसेस को हम लोअर क्वालिटी ऑफ एविडेंस मानते हैं. और सेकेंडरी एविडेंसेस का हम यूज प्राइमरी एविडेंसेस के एब्सेंस में करते हैं. यानी सबसे पहले आपको एफर्ट लगाना है कि यू हैव टू ब्रिंग प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि प्राइमरी एविडेंसेस मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये ओरिजिनल होते हैं. ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे, इट इज कॉन्सिडर्ड एज बेस्ट और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस. It is considered as lower quality of evidence, and it can be produced only in absence of primary evidence. तो ये तीन differences हो गए. चलिए आगे हम देखते हैं. प्राइमरी एविडेंसेस चूंकि ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस माने जाते हैं और इनका जो एविडेंशियरी वैल्यू होता है वो हायर होता है, तो इट कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विदाउट सर्विंग एनी काइंड ऑफ प्रायर नोटिस. तो कोर्ट में आप प्राइमरी एविडेंसेस को बिना कोई कोर्ट को नोटिस दिए हुए आप इन एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो इट कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विदाउट सर्विंग
any prior notice. Without serving any prior notice. और इसके लिए permission is to be sought from the court. Permission is to be sought from the court. हमें court से permission लेना होता है कि हमारे पास जो भी प्राइमरी एविडेंस था वो अवेलेबल नहीं है, इट इज़ लॉस्ट, और हम उनके जगह पे सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं एज एन एविडेंस. तो सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. ठीक है, तो परमिशन इज टू बी सॉट फ्रॉम द कोर्ट. परमिशन इज टू बी सॉट फ्रॉम द कोर्ट टू ब्रिंग सेकेंडरी एविडेंसेस. To bring secondary evidences on the ground of unavailability or on the ground of unavailability or loss of original document. ठीक है, ओके. अब आगे आप लिखोगे ये जो प्राइमरी एविडेंस होता है इट कैन बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट विदाउट सर्विंग एनी प्रायर नोटिस. आगे, इट हैज हाई एविडेंशियरी वैल्यू इन द कोर्ट एज इट इज द मेन सोर्स ऑफ एविडेंस. तो ये क्या है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एविडेंस. ये क्या है, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एविडेंस है इसलिए डज इट इज हैविंग हायर एविडेंशियरी वैल्यू. इट इज एन अल्टरनेटिव सोर्स. ये क्या है, ये अल्टरनेटिव सोर्स है. इट इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस. एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस डज इट इज हैविंग लो एविडेंशियरी वैल्यू. क्या है, इसका लो एविडेंशियरी वैल्यू है. अच्छा, अगर हम एग्जांपल्स देखें एग्जांपल देखो, मान लो देयर इज क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ. आप कुछ और डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो और अदर पर्सन कुछ और डेट ऑफ बर्थ आपका क्लेम कर रहा है. तो आप कोर्ट में पेश करते हो अपना बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD. तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इट इज़ व्हाट, इट इज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इट इज़ ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस शोइंग कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ है. तो ये क्या है, ये है प्राइमरी एविडेंस बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स, राइट. तो बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD, ये क्या है, प्राइमरी एविडेंस है. अच्छा, मान लो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है आपका, तो आप उसके जगह पे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स शो करते हो. जैसे आप अपने 10th की मार्कशीट शो करते हो या 12th की मार्कशीट शो करते हो या कोई अपना वोटर ID शो करते हो, आधार कार्ड शो करते हो. तो ये सभी क्या है, ये सभी सेकेंडरी एविडेंसेस के कैटेगरी में आएंगे, राइट. तो ये था
प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच डिफरेंसेस जिसे मैंने एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनवाया। देखो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी साथ साथ में बनवाया जाए, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और आपके पास एक सॉलिड नोट्स हो, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस से जुड़ा हुआ। देखो हमारे पास एक केस है, यशोदा देवी वर्सेस श्रीमती के शोभा रानी। देखो इस केस में क्या था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज जनरल रूल दैट सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जनरल रूल है कि अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं तो ही आप सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द कोर्ट, और इसके लिए आपको कोर्ट को एक नोटिस सर्व करना होगा, प्रायर परमिशन लेना होगा। आगे कोर्ट ये कहता है, इन अ सिचुएशन वेयर ओरिजिनल इज फाउंड टू बी इनएडमिशिबल। लेकिन मान लो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी जो प्राइमरी एविडेंस है, वो क्या है, इनएडमिशिबल है। क्यों? क्योंकि पार्टी ने उसके वैलिडिटी को प्रूफ नहीं किया है, पार्टी ने उस प्राइमरी एविडेंस के ऑथेंटिसिटी, उसके वेरोसिटी को प्रूफ नहीं किया है, और उसके जगह पे अगर हम कोई सेकेंडरी एविडेंसेस लाते हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टी हैज फेल्ड टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी ऑफ प्राइमरी एविडेंस। क्लियर है? चलिए तो Supreme Court in this case held that, आप लिखोगे, it is the general rule that secondary evidences can be brought before the court for inspection only in the absence of primary evidence। ठीक है, आगे कहता है, बट वेयर ओरिजिनल इज फाउंड टू बी इनएडमिशिबल, एज पार्टी हैज फेल्ड टू prove its validity, तो जो पार्टी है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उस प्राइमरी एविडेंस के प्लेस पर सेकेंडरी एविडेंसेस प्रोड्यूस करे। ठीक है, then the shed party cannot be allowed
यहाँ लिख लो, cannot be allowed to present secondary evidence. Cannot be allowed to present secondary evidence in place of primary evidence. ठीक है, तो ये था आपका प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच डिफरेंसेस और उससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज. आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा एफर्ट्स लगा करके आपको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और इनके क्या वैल्यूज़ हैं उसे समझाया. तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से शेयर करिए ताकि हमारा रीच बढ़े और चैनल का ग्रोथ हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.